आप जानते हैं कि जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं वो क्यों कर पाते हैं और जो पूरी मेहनत के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते वो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पाते? तो इसका स्पष्ट जवाब है उनका माइंडसेट, यानी कि दृष्टिकोण। माइंडसेट की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि इसकी मदद से इंसान कोई भी काम कर सकता है। ये दशरथ मांझी के नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑफकोर्स इन्होंने एक पहाड़ काटकर वहां रास्ता बना दिया था। हाँ, इस काम में उन्हें 20 साल से भी अधिक का समय लगा, लेकिन जो चीज उन्हें 20 साल तक एक्टिव रखे हुए थी वो था उनका पॉजिटिव माइंडसेट। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, इसलिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी क्रैक करने के गोल्डन रूल्स। तो हर कोई जन्म से किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। ये बहुत ही गहरी स्टेटमेंट है दोस्तों। आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं या कोई भी इनफैक्ट परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसकी डिमांड्स क्या है, यानी वो क्या आपकी एनालिटिकल स्किल्स पर रखना चाहती है या फिर आपकी थिंकिंग एबिलिटी की जाँच करना चाहती है या कुछ और। और जब आपने ये समझ लिया ना, तो उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं। अगर नहीं है तो आप उन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो स्किल्स ऑलरेडी हैं तो आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आप उन्हें और बेहतर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी परीक्षा में कितने लोग अपीयर करते हैं और फाइनल सिलेक्शन कितने कम लोगों का हो रहा है, और इसी बात से देर तक हम लोग तैयारी करते हैं। अब होता ये है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना आपके अंदर एक डर है कि और इतने लोग अपीयर करते हैं, इतने कम लोगों का सिलेक्शन होना है और इसमें सिलेक्ट हो जाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये सब जो थॉट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको अपने फुल पोटेंशियल पर जाने से रोकती है और नतीजा यही होता है जिससे आप डरे होते हैं। तो यदि आप सीटों पर फोकस ना करके अपने मन में ये बिठा लें कि सीटें कितनी भी हों आपको तो एक ही चाहिए ना, और जब आप उस एक सीट के लिए मेहनत करेंगे तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव दिशा में काम करने लगेगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को जहां आनंदित करता है वहीं कुछ अनूठा एवं विलक्षण करने की पात्रता भी प्रदान करता है। इन्हीं स्थितियों में हम कई बड़े बड़े और अनूठे काम कर गुजरते हैं। तो पॉजिटिव थॉट नैतिक साहस को बढ़ाती है। आमतौर पर युगों को बदलने वाला नायकों में ऐसे ही लक्षणों को देखा जाता है। सो दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या है? जैसे कि मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक द्वारा ये मानना है कि यह क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो यूपीएससी सीएससी के संदर्भ में विकास मानसिकता अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी का पाठ्यक्रम हम सबको पता है बहुत ही विशाल है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और रास्ते में कई असफलताएं आएंगी ही आएंगी। ग्रोथ माइंडसेट उम्मीदवारों को असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखने में मदद करता है। वे समझते हैं कि उनकी मेहनत, उनकी दृढ़ता और उनकी प्रेरणा उनकी शुरुआती दौर में की जो क्षमताएं हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात अब करते हैं दृढ़ता की। तो यूपीएससी सीएससी अपनी कम सफलता दर के लिए जाना जाता है और उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त करने से पहले अक्सर कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो विकास की मानसिकता वाले लोग इन असफलताओं को संभालने में बेहतर होते हैं, वो अनुकूल करते हैं और सुधार करना जारी रखते हैं। अब बात करते हैं प्रेरणा की। तो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो उम्मीदवारों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है भले ही राह कठिन हो। वो समझते हैं कि सुधार संभव है और यही विश्वास उनकी प्रेरणा को बढ़ाता है। तो यूपीएससी सीएससी में सफल होने के लिए सही मानसिकता और दृष्टिकोण, एकेडमिक नॉलेज और स्किल्स जितना ही महत्वपूर्ण है। जो एस्पिरेंट सही मानसिकता को विकसित करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं और भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं,
वो अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ये सच है कि इस परीक्षा के लिए अपनी जो एकेडमिक प्रिपरेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो दूसरी तरफ सही मानसिकता और रवैया वो प्रेरक शक्ति है जो उम्मीदवारों को ध्यान केंद्रित करने, अपनी गलतियों से सीखने और यूपीएससी सीएससी की तैयारी की इस कठिन यात्रा में बने रहने में सक्षम बनाती है। और अंत में यही गुण है जो सफल उम्मीदवारों को बाकियों से अलग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स।